अशोक पंडित जी और जॉनी लिवर भाई, ये दो लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की मुझ पर, दो जैसे मेरे भाई, मेरे दो एंजल्स खड़े हो गए थे कि नहीं क्या हेल्प चाहिए, किसी से बात करनी, कुछ करनी, बोले वो सब हम कर लेंगे, बाकी तू टेंशन मत ले। सो ये दो लोगों को मैं बहुत बहुत दुआएं देती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ, अशोक पंडित जी एंड जॉनी लिवर भाई। मैम आपके परिवार के बारे में समझना चाहता हूँ, और कहाँ रहती हैं आप, लोकेशन यही अंधेरी? जी जी जी, मैं गोरेगांव लिंक रोड पर रहती हूँ, और फैमिली में फ़िलहाल मम्मी हैं, डैडी का इंतकाल हो गया है, मेरे बड़े भाई का इंतकाल हो गया है, और बाकी फैमिली में काफ़ी सारे लोग हैं, कज़न्स वगैरह हैं, लेकिन साथ में नहीं रहते, इमीडिएट में मतलब मम्मी हैं, मेरी भतीजी मेरे साथ रहती हैं जो मेरी बिल्कुल बेटी जैसी ही हैं, तो वो बच्ची मेरे साथ है, मेरी माँ मेरे साथ हैं, मैं हूँ, बाकी और फैमिली है। गलत है विकिपीडिया में, और एक कोई यूट्यूबर है कोई बेवकूफ़ उल्लू का पट्टा, उसने लिख दिया कि अरे शुजात अली नाम है उनका और दो जवान बच्चे हैं उनके। मैं कहा गधे, मेरे मियाँ को और मेरे बच्चों को दोनों को लेकर आ तू घर पे, तो मैं पूछूं कि भाई ये मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे, और ये मदद नहीं कर रहे तो तू क्यों नहीं कर रहा मेरी मदद, है कि नहीं? अच्छा देखिए, 30 साल हो गए आपको काम करते, लेकिन पहली बात ये कि आमतौर पर मतलब 30 साल पहले जब आपने करियर शुरू, मैंने 36 साल पहले काम शुरू किया, 3 दशक पूरे कर चुकी हैं, साढ़े तीन दशक काम कर चुकी हैं, चौथा दशक खत्म हो जाएगा 4 साल इंशाल्लाह। और उस ज़माने में खूब रिश्ते आते रहे होंगे आपको, माँ भी कहती होगी भाई निकाह कर लो, क्यों कभी ऐसा मन नहीं हुआ कि निकाह नहीं? नहीं, मेरी शादी हो चुकी होती, मैं एक रिलेशनशिप में थी जब मैं ऑलरेडी काम शुरू कर चुकी थी, मैं तभी मैं उस रिलेशनशिप में थी, और बहुत करीब थे हम दोनों, लेकिन उनका 8-9 साल पहले इंतकाल हो गया, उनकी डेथ हो गई, तो शादी मुझे उन्हीं से करनी थी, और जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते कि हाँ भाई इस साल कर लेंगे, तो कभी मैं बिज़ी हो जाती, वो लंदन के थे तो कभी वो बिज़ी हो जाते, कभी उनका एक्सीडेंट हो गया एक दो मरतबा जब आने वाले थे बॉम्बे, तो उस वजह से नहीं हो पाई, तो ऐसे करते करते काफ़ी साल बीत गए, और जब फाइनली हमने ये सोचा कि अब कर लेंगे, तो उसी साल 31 दिसंबर को उनकी डेथ हो गई थी। कौन से साल की बात है? 8 ईयर्स बैक, 8-9 ईयर्स बैक, हाँ जी, सॉरी 2011, 10 साल हो गए, सॉरी। कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपसे समझना चाहूँ इस तरह के रिश्तों को, फिर आगे लोग कहते हैं कि कर लो शादी, नहीं तो आप अकेले रह जाओगे, इसको आप देखती कैसे हैं? और अब इस समय आप, मैं उनको मिस करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ ऑफकोर्स, क्योंकि बहुत लंबा रिलेशनशिप रहा हमारा, मेरा और कभी किसी के साथ कोई इस तरह का अटैचमेंट नहीं हुआ था कि मैं मतलब कि शादी मुझे करनी थी तो उन्हीं से करनी थी, और उसके बाद कभी सोचा नहीं शादी के लिए फिर, और जब उनसे उनकी मेरी लाइफ में आने से पहले भी ये था कि ज़िम्मेदारी बहुत थी मुझ पर, घर की ज़िम्मेदारियाँ, क्योंकि मैं सिर्फ अर्निंग मेंबर रह गई थी घर में, डैडी की तबीयत ख़राब रहने लगी थी, हार्ट पेशेंट थे डैडी, तो बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ थी, तो एक उस वो रीज़न मेरा इनिशियल ये था लेट सोचने का शादी के लिए, और फिर जब फाइनली सोचा कि चलो भाई कर लेते हैं, तो इनका इंतकाल हो गया जिनसे मेरा रिलेशन था, तो उनकी कमी महसूस होती है लाइफ में, लेकिन जो शादी कर लेते हैं वो भी तो अकेले हो जाते हैं कभी कभी, रिश्ते में रहते हुए भी लोग अकेले रहते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ हैं कहने के लिए, दुनिया में सब कह रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन आप एक्चुअली आप देखा जाए तो पता चला कि दो अजनबी रह रहे हैं कि छत के नीचे, सालों हो जाते हैं और एक दूसरे को पहचान तक नहीं पाते वो लोग, तो ये बात तो है कि शादी करके भी लोग अकेले रहते हैं, तो मैं ऐसा कुछ नहीं है कि आगे चल के आप लाइफ में अकेले रह जाओगे, जिनकी शादी हुई भी होती है या होने वाली होती है वो भी अकेले रह जाते हैं कभी कभी लाइफ में, एक सर्टेन एज के बाद कभी कभी सेपरेशन हो जाता है, 30 साल की शादी, 35 साल की शादी होकर सेपरेशन हो जाता है, तो तब भी आप अकेले हो जाते हैं, तो मैं इस चीज़ में डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, बहुत ज़्यादा, कि मेरा अंधा भरोसा है कि अगर आपकी डेस्टिनी में लिखा है तो वो चीज़ होकर रहेगी, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो ज़िंदगी हो, चाहे वो मौत हो, तो डेस्टिनी में अगर लिखा है तो होके रहता है, और अगर नहीं लिखा है तो मैं 10 रिलेशनशिप्स भी कर लूँगी तो कामयाब नहीं होंगे वो, मुझे साथ नहीं मिलेगा किसी का। तो जो कर्म बोलते हैं, कर्म प्रधान है, उसको आप कैसे देखते हैं लोग कहते हैं कर्म? बेशक बेशक, बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं कर्मा जो आपके होते हैं, हम लोगों में भी माना जाता है ये, आई एम अ मुस्लिम एंड
हर मज़हब में ये माना जाता है कि कर्म जो आप करते हो वो आपको भुगतने पड़ते हैं, तो चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों। कई बार आपके कर्म अच्छे होते हैं लेकिन आपको गेहूं के साथ घुन भी पिसता है कई बार, तो आपके कर्म बहुत अच्छे हैं लेकिन आप किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि आपने कुछ गलत कर्म किए इसलिए आप भुगत रहे हैं। कई मर्तबा आपका किया भी मुझे भुगतना पड़ेगा क्योंकि आप मेरे करीब हैं, आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे रिश्तेदार हैं, आप मेरे से कोई क्लोज रिलेशनशिप है, तो इस तरह से जो आसपास का जो होता है माहौल उसमें भी कई मर्तबा आपको करना पड़ता है। तो कर्म अच्छे कीजिए तो फल तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। तकलीफें किसकी ज़िंदगी में नहीं आती, सबके साथ होते हैं, ऊंच नीच हर एक के साथ है, हर प्रोफेशन में है, हर इंसान के साथ लगा हुआ है ऊंच नीच, लेकिन किस तरह से आप उससे जूझते हैं, कैसे लड़ते हैं, कैसे सामना करते हैं वो डिपेंड करता है।